मैंने लहसुन छील लिया सुबह उठ के, मैं और उसके पापा खाएंगे। अभी तो रख रही हूँ, 10 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ूंगी, उसके बाद खाऊंगी। ये देखिए सुबह हो चुकी है। ये हानिया के शूज, रात को हम इधर बैठते हैं ना बालकनी में, तो हानिया के शूज उधर ही मैंने सैंडल उतार के रख दिए थे। और ये देखिए सुबह का टाइम है, सो रहे हैं कुछ लोग, सो रहे हैं। मैं उठी हुई थी, मैंने कहा लहसुन वगैरह सुबह उठ के ना छीलती हूँ, निहार मुँह खाते हैं हम लोग, मैं और इसके पापा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है लहसुन ना सुबह सुबह खाना निहार मुँह। और खाने से पहले उसको 10 मिनट के लिए छील के छोड़ दें, फिर उसके अंदर जो जो भी है सारी चीज़ें होती है ना इसकी, लहसुन के अंदर वो एक्टिव हो जाती है, फिर वो जल्दी असर करती है। तो सबको मेरा सलाम। बस मैं सोचा सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूँ। ये देखिए बारिश, वो कचरा उठाने वाला बेचारा, वो रोशनी आपको नज़र आ रही होगी गाड़ी की, बस रोशनी चमक रही है। ये देखिए सब लोग की गाड़ियाँ लाइन में लगी, ये जगह खाली रहती है क्योंकि ये ना नीचे गैराज है और मैकेनिक की दुकान है, मतलब कि मैकेनिक की चीज़ जो गाड़ियाँ ठीक करता है ना उसकी दुकान है, तो उसने ना इसका टैक्स दे के तो ये जगह उसने खरीद ली है, ये इतनी सी एक गाड़ी की बड़ी सारी। ये जा रही कचरे वाली गाड़ी, बस यहाँ पे कुछ लोग लगाते हैं गाड़ी, थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं फिर ले जाते हैं, क्योंकि जाहिर है उसने अंदर भी गाड़ियाँ खड़ी करी होती हैं और फिर निकालनी होती है, तो उसको जगह अपनी चाहिए खाली चाहिए होती है। यहाँ पे मैकेनिक की भी बड़ी वैल्यू है, ये गाड़ियाँ ठीक करने वाले मैकेनिक की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये जो हमारा नीचे मैकेनिक है ना, इसके पास कॉल पे कॉल, और लोग खुद आ रहे होते हैं कि पहले हमारी गाड़ी ठीक कर दो, पहले हमारी गाड़ी ठीक कर दो, इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, हमारी गाड़ी ठीक कर दो। माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम जाता है इसका। और ये सामने जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी भी इन लोगों ने बना दी है, और जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए आदुवे आउनो और तेरसा मेदिया, ये सारा कुछ इधर ही करवाते हैं, लड़कों को भी लड़कियों को भी। सुबह सुबह हल्की फुल्की हल्की सी, जैसे ठंडी सी हवा, नहीं ठंड सी आ रही थी वैसी आ रही है, लेकिन अभी भी गर्मी है इधर। सितंबर स्टार्ट हो गया, आज 6 तारीख हो गई है, लेकिन बड़ी ठंड है अभी भी। चलें तो जी, थोड़ी देर बाद लहसुन खाते हैं, फिर उसके बाद कोई और काम स्टार्ट करेंगे। हानिया अभी सो रही है, उसको नहीं अभी उठाऊंगी। हाँ जी, ऐसे आ गए, नाश्ता की थी तो बगैर ही एल एरोस्पिन दे बेच के पहले थोड़ी जी शॉपिंग कर ली, फिर उस तो बाद ही जाके घर नाश्ता करेंगे। ते तो कड़ाके वाली निकल आई ना, चलो थानू विखाने असं की लैने अज नाल, सानू सरप्राइज भी एक मिलना। ये देखे जी, हम सामान ले आए अपना, और ये देखे ये हमें फ्री में फ्राई पैन मिला है एरोस्पिन का, ये देखे जी। और सामान हम ले आप घर लेके चलते हैं, मैं भी पाऊँ। ये देखिए जी, मैं पका रही हूँ तोरी, घिया तोरी होती है ना वो। अब ये देखिए मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया, देखिए टमाटर है, प्याज है, तोरी है, मसाले भी डाल दिए, ज़्यादा कोई मसाले नहीं है इसमें, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है बस, और थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी इतना सा कि ये गल जाए। 1 ग्लास के करीब मैंने पानी डाल दिया, मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके ना नीचे आग भी जला दूँ, तो मैं मीडियम कर दूंगी हीट, इसको मैं फुल नहीं करूंगी, मीडियम हीट करके ना पहले एक दफ़ा तेज़ रखेंगे, जब ये थोड़ा सा उबलने लग जाएगा ना फिर उसके बाद हम लोग ना मीडियम फ्लेम कर देंगे, ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और ये ना पानी भी खुशक हो जाएगा, ये गल भी जाएगी। और आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगा, ये मसाले वगैरह ना अंदर सही से पक जाते हैं।
अब इस तरह मिक्स कर देंगे ना हम इसको, फिर ऊपर से ढक के रख देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। आज आप लोगों को कभी बनाई हो, ज़्यादा लोग बनाते हैं इसको मसाला बना के ना, तो मैं ऐसे ही हमेशा बनाती हूँ। इस तरह बहुत अच्छी बनती है ये, देखिएगा मैं आप लोग को ऐसे बना के दिखाऊंगी, फिर आप लोग बताइएगा। चलिए तो अभी इसको रख देते हैं ऐसे ढक के, फिर आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी। और ये देखिए मैंने तो रही छीली ना, ये देखिए मेरे हाथ के ऊपर ये चिपक गई है, ये देखिए उतर नहीं रही है, ये मैंने कुछ ना ऐसे छिलके की तरह उतारी, ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहे हैं येलो येलो सी, ये ना मेरे हाथ के ऊपर ये तोरी मैंने छील लिया ना, तो उसका वो पानी लग के ना ये सूख गई, जम गई, ऊपर उतर नहीं रही है। मैंने बहुत कोशिश करी है, अभी इसको दोबारा हाथ धोती हूँ और इसके ऊपर ना वो जाली मारूंगी हल्की हल्की सी, ताकि ये उतर जाए। और ये देखिए ये मैंने आज बर्तन लेके आई थी नए, तो मैंने एक दफ़ा धो ली है, क्योंकि मैंने ना अच्छे नहीं लगते क्योंकि वहाँ पे मिट्टी वगैरह पड़ी होती है तो यूज़ करने होते हैं। ये वुड वाली कटोरियाँ ये मैं हानिया के लिए लेके आई, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाती है ना तो ये कांच के ना उससे टूट फूट जाते हैं, गिरा देती है टूट जाते हैं, तो मैंने ये ना सूखने के लिए रखे हैं। एक बाउल ये है इस तरह का ना, एक आती ही मैंने तोड़ दिया। और एक ये थर्मोस है, क्या हुआ? ये देखो मैंने नेल्स बनाए अच्छा पेपर नेल्स। सही, चलो सही जी, क्या हुआ? उसको भी अब बना कर, खुद बना लेती है, उसको रुलाती रहती है। अच्छा अभी चलो मैं जाओ। अच्छा बनाती हूँ, हाँ ये मेरा पता नहीं नेल्स करने का बहुत दिल चाह था चलो इसलिए सही किया है। 2 घंटे बाद। हाँ चलो इसको भी बना दो, बस हल्के फुल्के हाँ लगा दो। अभी इसको ये थर्मोस है और गर्म ठंडा कर रखने वाला है ये इसका। और ये देखिए ये जग, ये भी मैंने धो के रखा, अभी इसके अंदर पानी है, ये देखिए अंदर पानी घूम रहा है, ये सूख जाएगा ना, फिर इनको उठा के रखूँगी। और एक डिश ये मैं लेके आई हूँ, ये देखिए अभी भी गीली है, ड्रॉप्स हैं ऊपर। और एक डिश और है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखें ये है बड़ी डिश जो कि मैं लेके आई हूँ। बस ये ना ये मुझसे अंदर थोड़ी सी खराचे लगी, ये मैंने ऐसे बर्तन रख के ना अंदर तो यू 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 हानिया उधर हानिया भी करती, कुछ मैं भी करती रही। ये ना मुझसे एक तो ये इसके साथ का टूट गया और ये भी जो है ना थोड़ा सा मुझसे ये हो गया, ये देखिए आती ही ना वो मैं जब धो रही थी ना तो मेरे हाथ से छूट के ना वो नीचे गिरा इसके ऊपर, ये यहाँ से थोड़ा सा टूट गया, मैंने अभी देखा है, ये देखिए अभी टूटा ये इसके ऊपर गिरा ना तो वो भी टूट गया। बच्चे कह रहे सही है मामा आप तो। और ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है, किधर है ये रही, और गर्म है ढक्कन, ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया, कि इंशाल्लाह ताला इसी पानी में गलाना है। और पानी आप लोगों ने एक ही दफ़ा पानी डालना है, ठीक है? अगर आप लोगों की रह जाती है ना कि थोड़ी कच्ची वगैरह और पानी डालना है तो आप लोग गर्म करके डालिए सही, वैसे इतना सा पानी में अगर आप मीडियम फ्लेम पे करेंगे ना, ये देखिए डिप नहीं है, थोड़ा सा पानी नीचे ही है तो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब देखिएगा मैं आपको इसी में इसी पानी में गला के दिखाऊँ, और ये बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। और जब ये पानी सूख जाएगा ना उसके बाद ऑयल डाल के हमने इसको भूनना है, ये मत समझिए कि ऑयल नहीं डालना, हमने ऑयल भी डालना है लेकिन बाद में डालना है। और ये देखिए बच्चों ने स्कूल की तैयारी स्टार्ट कर दी है, ये कुछ कपड़े वगैरह धो के फैलाएँ और ये शूज़ वगैरह भी धो लिए। ये देखिए मौसम देखिए आप, इतनी गर्मी पड़ी है कसम से, ये देखिए हल्के हल्के बादल आए हुए, बस कोई कोई है कहीं पे, यहाँ पे थोड़ा सा उसका फूल बना हुआ है, कोई वहाँ पे फूल बना हुआ है, ऐसे लग रहा है वो जैसे कपास के ऊपर नहीं वो उसकी जो होती है रुई, वो वैसे खिली हुई नहीं होती रुई, वैसे लग रहे यहाँ पे खिला हुआ है, एक वहाँ पे खिला हुआ है, एक वहाँ पे खिली हुई है, ऐसे बादल है। और अभी हवा थोड़ी सी चलने लगी, आज इतनी गर्मी थी ना, सितंबर भी स्टार्ट हो गया लेकिन इतनी गर्मी है ना, ज़रा फ़र्क नहीं आया मौसम में। यहाँ पे दुआ करें अल्लाह ताला हमारे भी इधर बारिश डाले, कोई मौसम सही हो। और ये देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा घर कॉन्डोम पड़े हुए हैं, ये देखिए हमारे सामने वाला घर है, और आप लोग देखें ज़रा इसकी हालत देखें, सारा टूटा फूटा पड़ा है, लॉक लगा हुआ है। और ये हमारे साथ वाली भी जो बिल्डिंग है ना ये भी खाली पड़ी है पूरी की पूरी, ये देखिए खाली पड़ी हुई है, देखें ज़रा इसकी हालत चेक करिए, ऊपर तक पूरी खाली पड़ी हुई है। और ये देखिए इसकी बालकनी इतनी गंदी है, वो कबूतर ने बेबी दिया हुआ है, ये देखिए बैठा हुआ है, इतने आप लोग को नज़र आ रहा है कि नहीं, वो देखें ये साथ उसके साथ वाली भी जो है ना बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, ये दो तीन, ये तीन वो ऑरेंज वाली बिल्डिंग जो कोने वाली बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली में लोग रहते हैं, और ये बाकी सारी साथ साथ जो है ना ये सारी खाली पड़ी हुई है। और जो मेन रोड वाली साइड पर इनके दरवाजे ना वो इतने अच्छे हैं, इतने बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे लगे, और पिछली साइड देखें आप लोग, ये देखें दी पानी तकरीबन खुश्क हो गया, हल्का फुल्का सा रह गया, और मैंने हीट तेज़ कर दी ताकि ये अच्छे तरीके से
ये भी खुशक हो जाए। ये इतना येलो नहीं लग रहा है, वीडियो में ज़्यादा येलो लग रहा है, लेकिन ये हल्का हल्का सा येलो है, शायद लाइट की वजह से ऐसे हो रहा है। ये देखिए ये सही कलर है, ये देखिए हरा हरा सा लग रहा है ना, और ये जब भुनेंगे ना तो ये हो जाएगा, ये जो अंदर टमाटर वगैरह नज़र आ रहे हैं सब कुछ अंदर घुल मिल जाएगा। बस ये थोड़ा सा हो जाएगा फिर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, इसको बाहर रखती हूँ ना, बहुत ज़्यादा ये गर्म हो गए। ये देखें जी पानी हो गया खुशक, अब मैं डाल रही हूँ ऑयल, ऑयल डाल के अब इसको अच्छे से भून लूँगी मैं। आप लोग इसमें नमक मिर्च अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा, मैंने अपने टेस्ट के लिहाज से डाली है, और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और नमक मिर्च आप इस टाइम पर चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो फिर आप डाल सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगा फिर आप लोग धनिया डालेगा, क्योंकि मेरे पास धनिया हरा यहाँ पे इतना मतलब कि नहीं मिलता है, कभी एक बार दुकान पे आता तो फिर मैं ले आती हूँ जाके काफ़ी सारा, तो वो ख़त्म हुआ हुआ है अभी, मैं नहीं लेके आई हूँ, है ही नहीं था दुकान पे, आया ही नहीं था, यहाँ पे नहीं उगता है। और कुछ लोग उगा भी लेते हैं लेकिन पता नहीं क्यों, मैं जब भी लगाती हूँ मेरा तो होता ही नहीं है, वो सड़ जाता है, पता नहीं क्यों जल जाता है सारा। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे हम, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ भूनने के बाद। सालन रेडी हो गया और ये हम रोटी रेडी करने लगे, रोटी मैंने बेल ली तो तवा गर्म हो रहा है, इसके अंदर ऊपर डालेंगे हम लोग। ये ना ज़ीरा गिर गया था, मैं इसमें डालने लगी थी सालन में, सालन माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया, तो ना थोड़ा सा मेरे सूखे आटे में गिर गया मुझसे ना, तो मैंने फिर ऐसे मैंने कहा रोटी के ऊपर डालूँगी, तो वो अब रोटी के ऊपर मैंने लगा दिए। आशा लोग जा रही है पढ़ने के लिए, अपनी क्लास लेने के लिए, तो करी मामा भूख लगी, मैंने कहा आप लोगों को खाना बना देती हूँ। ये देखें जी सालन हो गया रेडी बिल्कुल, और ये रही रोटी जिसके ऊपर देसी घी लगा दिया मैंने, सूखा सालन और ऊपर देसी घी लगा वो, या मक्खन ही लगा ले, ज़रूरी नहीं अगर नहीं है तो लगाना ही है, वो लगा ले मक्खन और फिर खाएँ। अभी हम खाते हैं रोटी फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए ये ना आए हाय बड़ी नहीं हो रही, जूम नहीं हो रही पता नहीं क्यों। ये स्टेडियम है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जिनका मैच फिक्स होता है ना वो यहाँ पे स्टेडियम में आके खेलते हैं, अंदर से भी दिखाऊंगी मैं आपको। और ये देखें ये जो सामने है ना, यहाँ पे भी बच्चे जो नए तैयार करते हैं उनको, ये सामने बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं। ये बाजे बजा रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं। ये बस भी खड़ी है, ये बस की लाइटें ऑन है ना, इसलिए सही नजर नहीं आ रही। ये बच्चे खेल रहे इधर, वो होटल इतनी रोशनी है, पता नहीं किस खुशी में बजा रहे हैं। बच्चे भी आ गए, चलो भागो, चलो मैं रेस लगा, इतनी भी नहीं बस हल्का हल्का सा भाग लो। वहां से पूरा हानी इतनी खुश हो रही, पापा किधर है, पापा पापा
बाय। अच्छा पापा आपको देखने हाँ यहाँ पे की चिंता कर रही थी। ओए हाय चलो ठीक है चलो भागो। आए मेरा बच्चा चल वापिस आ जा। ये नीचे कमरे हैं वो लाइटें जो नजर आ रही है ना ये देखें ये जाली के नीचे से वो सामने वो ये यहाँ से नीचे जाके ना कमरे हैं ये यहाँ से जाके नीचे ना कमरे हैं अंदर दो बच्चे गए भी हैं।